ये है कल्कि का श्राप एपिसोड 24। चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। सूरज धीरे धीरे आसमान में ऊपर की तरफ ही चढ़ रहा था। जहां वे सब पंडित जी के घर में थे, तो वहीं दूसरी तरफ आरोही ठाकुर सूरज भान सिंह की हवेली के अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी। वो कोई और नहीं बल्कि ठाकुर सूरज भान सिंह और सहल कंवर की बेटी थी। वो भाई बहनों में सबसे छोटी थी, विजय उससे बड़ा था। दो दिन पहले रुद्र की मौत होने के बाद से ठाकुर और उनकी पत्नी दोनों को ही आरोही की चिंता सताने लगी थी। यही वजह थी कि उसे उसकी माँ ने तुरंत बुला लिया था, क्योंकि हवेली एक सेफ पैलेस था जिसके चारों ओर पंडित जी ने सुरक्षा धागे को बांध दिया था। हालांकि यहाँ आने के बाद उसका मन नहीं लग रहा था, क्योंकि राजवीर उसके पास नहीं था। सबके बाहर जाने के बाद वो पीछे से बिस्तर पर लेटी हुई राजवीर से बात कर रही थी। उसका भाई विजय हवेली में अपने रूम में था, तो वहीं बाकी सब अपना अपना काम कर रहे थे। उस वक्त किसी को भी ये पता नहीं चलने वाला था कि वो राजवीर से बात कर रही थी। मैं तुम्हें सच में बहुत मिस कर रही हूँ वीर। मैं भी, लेकिन तुमने अब तक नहीं बताया कि तुम अपने गांव में अचानक से क्यों चली गई थी। बाबा वो बस ऐसे ही, मैं तुम्हें वक्त आने पर सब बता दूंगी। यार क्या बता दोगी, अब तक तुमने ये तक नहीं बताया है कि तुम्हारे गांव का नाम क्या है। मैं तुम्हारे बारे में बस इतना जानता हूँ कि तुम राजस्थान से हो, लेकिन कहाँ से हो ये तक पता नहीं। तुम इतना सब मुझसे छिपा क्यों रही हो? यहाँ तक कि तुमने ये भी नहीं बताया है कि तुम्हारे बाबा क्या काम करते हैं। इवन मैं कब से तुमसे कह रहा हूँ कि तुम अपने पापा से मेरे बारे में बात करो। बाबा तुम नाराज क्यों हो रहे हो मुझसे? मैं हूँ ना, मैं कह रही हूँ ना तुमसे कि मैं पापा से बात कर लूंगी, सो डोंट वरी। मुझे कुछ नहीं पता रोहित, तुम आज ही अपने पापा से बात करोगी। आर यू मैड? पापा से बात करना इतना आसान नहीं है, वो बहुत गुस्सैल इंसान है। अगर इस तरह से मैंने तुम्हारे बारे में उन्हें बता दिया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो वो मुझे जिंदा गाड़ देंगे। मुझे इत्मीनान से बात करने दो ना, थोड़ा वक्त लगेगा बस, उसके बाद मैं बात कर लूंगी उनसे। मुझे कुछ नहीं पता आरू, अब तो मुझे अजीब लग रहा है। मुझे तुमसे जितना गहरा प्यार होता जा रहा है, उतना ही अब अजीब सा फील भी होने लगा है, जैसे हम दोनों अलग हो जाएंगे। मेरा दिल कहता है कि तुम्हें अपने पापा से बता देना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। तुम मेरी फैमिली के बारे में भी बता सकती हो। अगर तुम बात नहीं कर सकती हो तो मैं कर लूंगा, मेरे पापा और मम्मी बात कर लेंगे, सो डोंट वरी। लिसन वीर, अभी मेरे घर में सिचुएशन ऐसी नहीं है कि मैं इन सब के बारे में बात कर सकूं। प्लीज मेरी बात को समझो। ठीक है, अगर तुम नहीं कर सकती हो तो छोड़ो फिर, बाय। अरे यार ये क्या बात हुई, कॉल ही कट कर दिया। राजवीर ने उसका कॉल ही कट कर दिया, जिसके बाद उसे बहुत बुरा लग रहा था। एक काम करती हूँ, उसको दोबारा कॉल करती हूँ। अगर दोबारा कॉल नहीं किया तो वह इतना नाराज हो जाएगा कि फिर मुझसे अच्छे से बात भी नहीं करेगा कई दिनों तक। उसके बाद आरोही ने उसका नंबर दोबारा डायल किया। वो कॉल लगाने ही वाली थी कि तभी उसकी माँ की आवाज सुनाई दे पड़ी। आरू, ए आरू। मम्मी आवाज दे रही है, मैं वीर को तो बाद में भी कॉल कर लूंगी। उसने फोन को दूर किया और उसके बाद दौड़ते हुए बाहर आ गई। इस दौरान उसने अपने रूम से बाहर आने के बाद सीधे देखा तो हवेली के हॉल में कई सारे लोग खड़े हुए थे। वहां पर उसके माता पिता और कई लोग भी थे। इसके अलावा उसे वहां शिवानंद भी नजर आए। वो पंडित जी के चारों शिष्यों को भी जानती थी, जो पहले भी हवेली कई बार आ चुके थे, मगर उसे वहां पंडित जी नजर नहीं आ रहे थे। आरोही अपने पिताजी से काफी डरती थी। यही वजह थी कि उस वक्त वो कुछ नहीं बोली और चुपचाप नीचे आ गई। वहां कई सारे लोगों की बातें सुनकर विजय और हवेली के बाकी के लोग भी नीचे आ गए, जिसमें रूपा भी एक थी। आओ पुत्री, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। विजय और बाकी के लोग आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उसके बोलने से पहले ही वो बोल पड़े थे। बाबा जी नमस्ते। आरोही ने नीचे झुककर प्रणाम किया। खुश रहो पुत्री, भोलेनाथ तुम्हें लंबी आयु दे। इस दौरान आरोही मन ही मन सोच रही थी कि भला उसे क्यों बुलाया गया है। उसे इस दौरान डर भी लग रहा था, क्योंकि पहले भी
वो उस वक्त काफी डर जाती थी जब हवेली में कई सारे लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते थे, और आज भी इस दौरान उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो, तुम्हें भी कल्की का खौफ सता रहा है ना? जब भी हवेली में इतने सारे लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं तो तुम भी यही सोचती हो ना कि आखिर अब क्या होगा जो इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। तो पुत्री तुम्हें बता दूं, ऐसा केवल तुम ही नहीं सोचती बल्कि इस गांव का प्रत्येक इंसान ऐसा ही सोचता है। हे बाबा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कैसे भी कीजिए मेरे परिवार और गांव के लोगों को अब कुछ मत होने दीजिए। मुझे बहुत बुरा लगता है जब गांव में कोई मर जाता है तो अधीरा भैया की मौत हो, फिर रुद्र, बहुत बुरा लगता है। जब भाभी की मांग को सोना देखती हूँ तब उस चुड़ैल पर मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाती, इसी बात का दुख है। इस दौरान आरोही बहुत परेशान लग रही थी, उसकी आंखों से भी आंसू बह निकले। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अब तुम्हारे रोने का समय चला गया पुत्री, और अब तुम्हारा ही क्या, सभी गांव वालों के भी रोने का समय चला गया, क्योंकि एक तू ही है जो उस कल्की के खात्मे की वजह बन सकती है। हैं? मैं? पर कैसे? तुम्हारे इस कैसे के जवाब से पहले गांव वालों के लिए ये जानना जरूरी है कि तुमने उन सबके लिए, इस हवेली के लोगों के लिए और खुद के लिए ऐसा काम किया है, या यूं कह लिया जाए पुत्री कि भगवान ने तुम्हारे द्वारा हमारे गांव में एक ऐसा फरिश्ता भेजा है जो कल्की के अंत का काम करेगा। है? पर कौन? कौन सा फरिश्ता आया है? भेजा है? वो अभी आया नहीं है, लेकिन तुम उसे लेकर आओगी, आखिर वो तुम्हारी जिंदगी में तो आ ही चुका है। पर कौन बाबा? आरोही को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पुत्री, वो कोई और नहीं बल्कि जिससे तुम प्यार करती हो वो लड़का है, मेरा मतलब राजवीर। राज वीर? आखिर आपको कैसे पता? पुत्री, मुझसे कुछ नहीं छुपा है, तुम अपने माता पिता से डर के मारे अपनी जिंदगी के उस अहम सदस्य को छुपा सकती हो, लेकिन मुझसे नहीं। राजवीर, वो लड़का जिससे तू बहुत प्यार करती है, वो दिल्ली में तुम्हारे साथ ही पढ़ता है, वो भी तुमसे पुत्री बहुत प्यार करता है, तुम दोनों एक होने का कई बार प्रयास कर चुके हो, मगर कोई आत्मा है जो, हाँ, कोई आत्मा है जो तुम दोनों को एक होने से रोक रही है, पता है वो कौन है? वहां मौजूद लोग सब हक्के बक्के हो गए थे। हालांकि आरोही के माता पिता और पंडित जी के घर से आने वाले लोगों को शिवानंद ने सब बता दिया था, इस वजह से उनके चेहरे पर शॉकिंग रिएक्शन नहीं था, मगर वे सब शिवानंद के जवाब का इंतजार कर रहे थे कि आखिर वो आत्मा कौन है जो उन्हें एक होने से रोक रही है। वो सब चुप थे। बोलिए बाबा, आखिर वो कौन है जो हम दोनों को एक होने से रोक रही है? और पापा, आई एम रियली सॉरी जो मैंने आपको वीर के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। कोई बात नहीं पुत्री, तुम्हारे पिता को मैंने सब बता दिया है, अब मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि तुम दोनों को एक होने से जो आत्मा रोक रही थी वो कोई और नहीं बल्कि कल्की थी। है? सबके चेहरे पर डर के साथ साथ शॉकिंग रिएक्शन था। आखिर क्यों? ऐसा क्यों किया उसने अघोरी बाबा? उसने मुझे वीर से दूर रहने के लिए क्यों बोला? बताता हूँ, तुम्हें याद है एक दिन जब तुम दोनों तुम्हारे ही घर में अकेले थे, और उस दिन जब तुमने वीर के कुर्ते के बटन खोले तो तुम्हें पता चला कि उसके सीने पर ओम का चिन्ह था। हाँ याद है, बखूबी याद है बाबा। हाँ, तो बस उसी ओम की वजह से, वो तुम्हें उससे दूर रखना चाहती थी। आखिर क्यों? आखिर उस ओम में ऐसा क्या है? उस ओम में
जिसके सीने पर वो ओम हो, एक वही इंसान है जो कल्कि को खत्म कर सकता है। ऐसे व्यक्ति दुनिया में करोड़ों में एक होते हैं जिनके सीने पर जन्म से ओम हो। इसका मतलब ये है कि भोलेनाथ का उस पर आशीर्वाद है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। मतलब साफ है बेटा, कल्कि तुम्हें उससे इसलिए दूर रखना चाहती थी क्योंकि अगर वो तुम्हारे पास होता, तुम उसके साथ रिश्ते में होती हो, तो जाहिर सी बात है कि उसे कल्कि के बारे में सब पता चल जाता। वो यहाँ आता और कल्कि को खत्म करने में हम सबकी मदद करता, लेकिन ऐसा ना हो इसलिए कल्कि तुम दोनों को अलग करना चाहती थी। लेकिन वो कहते हैं ना, होता वही है जो ईश्वर चाहे। उसके लाख कोशिश करने के बावजूद भी तुम लोग अलग नहीं हुए। ये तुम दोनों के सच्चे प्रेम की निशानी है। ओह, तभी जब भी हम दोनों एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते तो वो आत्मा हमें किसी न किसी तरीके से रोकने की कोशिश करती। आरोही को अब वो सब याद आने लगा जब कल्कि ने उन दोनों को अलग करने के लिए कई बार उसे डराया था। पुत्री, अब समझ आया कल्कि तुम्हें उससे दूर क्यों करना चाहती थी और क्यों उसने तुम्हें चेतावनी दी। जी, सब समझ आ गया। बस फिर किस बात की व्यर्थ चिंता करनी। अब राजवीर आकर इन गांव वालों को बचा लेगा और कल्कि को खत्म कर देगा। कल्कि ने जितने लोगों को मारना था मार लिया, लेकिन अब नहीं मार सकेगी। ऐसे में पुत्री, अब हम सब चाहते हैं कि तेरा राजवीर यहाँ आए और कल्कि का अंत करे, ताकि सब गांव वाले उसके खौफ से मुक्त हो जाए। वहीं दूसरी तरफ उसका अंत हो जाने के बाद तुम्हारे पिताजी तुम्हारा और वीर का विवाह खूब धूमधाम से करेंगे। क्यों, सही कहा ना मैंने पुत्र सूरज भान? जी बाबा, आप सच कह रहे हैं। हमें तो खुशी होगी कि हमारा होने वाला दामाद हम सबको कल्कि से मुक्त करवाएगा। बस बेटा, अब तू जल्दी से वीर को बुला ले। आरोही के चेहरे पर मिक्स्ड इमोशंस नजर आने लगे। एक तरफ जहां उसे इस बात की खुशी थी कि उसके पिताजी उन दोनों की शादी को लेकर मान गए हैं, वो भी उसके बिना कहे, तो वहीं दूसरी तरफ उसे इस बात का डर था कि कहीं वीर को भी कल्कि मार ना दे। मुझे पता है पुत्री, तू क्या सोच रही है। तू यही सोच रही है ना कि कहीं तुम्हारे वीर को कुछ ना हो जाए। तो मैं तुम्हें बता दूं कि कल्कि वीर को नहीं मार सकती है, बल्कि वीर ही मेरे द्वारा बताए गए उपायों को करेगा तो वो कल्कि का अंत कर सकता है। बस हमें डर इस बात का है कि अगर वीर उन मंत्रों का सही से उपयोग करके उस पर वार नहीं करेगा तो फिर कल्कि पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। वो फिर भूखी शेरनी के जैसे हो जाएगी। उसके बाद वो भले ही वीर को नहीं मार सकेगी, मगर पूरे गांव को तबाह कर सकती है। हालांकि वो बाद की बात है, अगर वीर हमारी इस काम में मदद कर देगा तो निस्संदेह हम सबको कल्कि से छुटकारा मिल जाएगा। आरोही एक बार फिर सोचने पर मजबूर हो गई। लेकिन अघोरी बाबा, वीर को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। मैं सच में मजबूर हूँ, मुझे तो ये सब सोचकर ही डर लगता है। मेरा वीर ये सब नहीं जानता है, वो तो कभी गांव में रहा भी नहीं है। वो शहरों में रहने वाला लड़का भला गांव में आकर कैसे हमारी मदद करेगा। आरोही अपनी बात को फिनिश कर पाती उससे पहले ही उसकी माँ उसके पैरों में गिर गई। बेटा, अब तू ही है हम सबका सहारा। भगवान के लिए वीर को यहाँ बुला ले बेटा, हम सब मना लेंगे उसे। अरे मम्मी, क्या कर रही हो आप, ऐसा मत करो। उसने रोते हुए अपनी माँ को गले से लगा लिया। बेटा, जिस तरह से कल्कि ने अधीरा, रुद्र और पंडित जी को मारा है, इससे साफ पता चलता है कि वो बहुत शक्तिशाली है। अगर वक्त रहते उसे खत्म नहीं किया गया तो फिर वो किसी को भी नहीं छोड़ेगी। ये पूरा गांव मर्दों से खाली हो जाएगा और वो औरतों को नहीं मारेगी, इसकी भी क्या कोई गारंटी है। बेटा, तू बाकी सबके बारे में ना सही, लेकिन अपने पापा, भाई और परिवार के बारे में तो सोच। क्या तू अपनी आंखों से अपने बड़े भाई विजय को उसके हाथों मरते देख सकती है। बेटा, तुम्हें भगवान का वास्ता,
तुम्हें वीर को बुलाना ही होगा। मम्मी ऐसे ना बोलो, मैं सोचती हूँ कुछ। पुत्री सोच विचार में वक्त जाया मत करो। एक महीने के बाद ही श्रावण मास लग जाएगा और उसके बाद कल्की को वीर भी खत्म नहीं कर पाएगा। हमारे पास बस एक महीना ही बाकी है। शिवानंद ने भी उस पर दबाव बनाया जो सच भी था। कल्की को सावन के महीने के बाद खत्म कर पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, क्योंकि वो खुद शिव से शक्तियां प्राप्त करने वाली थी। शिवानंद ने उसे सब कुछ बता दिया था, जिसके बाद आरोही सोचने पर मजबूर हो गई। वो काफी देर तक राजवीर के बारे में ही सोचती रही। इस दौरान वो कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रही थी। एक तरफ जहां उसके सामने उसके ही अपने घर वाले और गांव के लोग थे, जिनकी आंखों में कल्की का खौफ था, और उन्हें इस बात की आशा थी कि आरोही अपने बॉयफ्रेंड राजवीर को उदयवाड़ा बुलाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ वो राजवीर के बारे में सोच रही थी कि क्या उसे राजवीर को बुलाना चाहिए। क्या वो अपने फायदे के लिए राजवीर को वहां बुलाकर उसकी जान को खतरे में डाल सकती थी? अगर उसने उसे बुला भी लिया तो क्या वो मान जाएगा उन सबकी मदद करने के लिए? वो यही सब सोच रही थी और उनके जवाब फिलहाल के लिए तो उसके पास नहीं थे। हालांकि उसके घर वाले उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे कि वो क्या कहेगी। आखिर क्या अपने फायदे के लिए आरोही राजवीर की जान को खतरे में डालेगी? जानने के लिए अगले भाग को सुनिए। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आगे का एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।